आप्यायन्तो ममांगा वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपशन् माहं ब्रह्म निराकुर्य मामा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणमे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकरा केशवं बादरा शूत्रभाष्य कृतौ वंदे ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभा व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्ते ॐ शांति शांति। हम लोग छांदोग्य उपनिषद के तृतीय अध्याय त्रयोदश खंड का विचार संपन्न किया। त्रयोदश खंड पूरा हो गया ना, चतुर्दश खंड प्रारंभ हो रहा है। उपास्य परमात्मा है, प्रतीक में उपासना बताए, गायत्री इत्यादि सब प्रतीक है, मनोब्रह्म इति उपासित ये सब प्रतीक होता है, जैसे शालिग्राम में विष्णु आदि की उपासना है। तब प्रतीक द्वारा ब्रह्मो उपासनम उक्त्वा, उपासना तो परमात्मा की है, माध्यम है प्रतीक, तो इसलिए कह रहे हैं प्रतीक द्वारा ब्रह्मोपासनम उक्त्वा पूर्व खंड में कहा। अब जो है उपासना बतला रहे हैं प्रतीक को छोड़कर, प्रतीकम हित्वा प्रतीक को छोड़कर के वो आग दिया गया सगुणा ब्रह्म उपासनम। उपासना तो सगुण परमात्मा की है, निर्विशेष ना कोई कारण है ना कोई कार्य है, उसकी उपासना नहीं, सगुण ब्रह्म की उपासना। चलिए उसका कथन करते हैं। पहले भूमिका है, मंत्र की पूरी भूमिका भाष्य है। पुनस्तस्यैव त्रिपाद अमृतस्य ब्रह्मणो, ये तीन पात कहा परमात्मा के, अमृत की तरह अमृत, कोई पात तो नहीं है परमात्मा के, इसलिए पात की तरह कहा जाता है उपासना के लिए। तो एक पात सारा संसार है, तीन पात अमृत स्वरूप है, विनाशी अविनाशी स्वरूप है, लेकिन त्रिपाद अमृतस्य ब्रह्मणो वही परमात्मा का उपासना, यहाँ पर उपासना का विधान कर किया जा रहा है। ये परमात्मा है अनंत गुण वाले, अनंत गुणवतः, अनंताः गुणाः यस्य तत् अनंत गुणवान, वो अनंत गुण वाला है परमात्मा। अनंत गुण क्यों है? अनंत शक्ति होने से अनंत गुण, उसके पास माया है, अनिर्वचनीय माया शक्ति है, इसलिए अनंत गुणवत्व में हेतु है अनंत शक्ति, ये हेतु लेना है। इसलिए अनंत शक्ति है,
अनंत शक्ति वाला परमात्मा है। तो अनंत शक्ति अनंत गुण होने से उसकी उपासना अनेक उपाधि में होती है, इसलिए कहे अनेक भेद उपासस्य। इसका कई प्रकार से अर्थ हो सकता है। अनेक भेदेन उपास्यः उपास्यम इति अनेक भेद उपास्यम ऐसे भी होगा, अथवा अनेकेषु भेदेषु उपास्यम इति अनेक भेद उपास्यम ऐसा भी होगा। अनेक प्रकार के अनेक प्रकार से परमात्मा की उपासना होती है और अनेक प्रतीक विशेष में भी उपासना होती है, इसलिए दो प्रकार से होगा। इसलिए ये इतना विशेषण देने से अनंत गुण अनंत शक्ति अनेक भेद कहा, इसलिए निर्विशेष नहीं, सब विशेष है। विशिष्ट गुण शक्ति मत्वेन उपासनम विदित्सन आह। तो इसलिए विशिष्ट गुण हुआ, विशिष्ट शक्ति है, विशिष्ट गुण विशिष्ट शक्ति मत्वेन शक्ति वाला जो परमात्मा है, इसलिए विशिष्ट गुण शक्ति मत्व जो गुण है धर्म है, इस धर्म से उपासनम उपासना करनी है, इसलिए उपासना करने की इच्छा करते विदित्सन बोले विधातुम इच्छन विधान करने की इच्छा करता हुआ आह। कौन कह रही श्रुति, आह का कर्ता श्रुति है, विदित्सन आह। मंत्र देखिए, इसके ऊपर थोड़ा टीका ले स्पष्टीकरण हो जाएगा। तो अनंत गुणवत्त कहा, तो अनंत गुण क्यों कहा, केवल परम ब्रह्मण बोल देते, ब्रह्मण उपासना में ऐसा बोलते, कहते नहीं ये निरुपाधिक नहीं, यहाँ पर निरुपाधिक की उपासना नहीं, उसमें त्रिपुटी नहीं होती है। तस्य निरुपाधिकम व्यावर्तयति, ये यहाँ पर उपास्य निरुपाधिक नहीं है, सविशेष है, जगत का कारण है परमात्मा। और निर्विशेष परब्रह्म तो ना कोई कारण होता है ना कार्य होता है, उसमें कारणता कार्यता नहीं, इसलिए कहा अनंत गुण वाला का। तो कथम एकस्य अनंत गुणत्व, परमात्मा तो एक है, इसमें अनंत गुण कहाँ से आएगा, इसलिए हेतु दिया गया अनंत शक्ति है। जी हाँ पंचमी एक कहा अनंत शक्ति है, नहीं सबको षष्ठी कर लीजिए, है ना, षष्ठी बहुव्रीहि समास करो ना, अनंता शक्तयः यस्य, ठीक। तो क्या जी विशेषण के रूप से तो बन जाएगा, पंचमी कर्म भी होगा, पंचमी करने से भी क्या आपत्ति नहीं। अनंत शक्ति है, अनंत शक्ति होने से अनंत गुण वाला हुआ, पंचमी करने से भी कोई आपत्ति नहीं है, और विशेषण कर देंगे तब भी कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि विशेषण हेतु के रूप से ही विशेषण हो जाता है, ठीक है ना, ऐसा होता है। इसलिए चाहे षष्ठी कर लो चाहे पंचमी कर लो कोई दोष नहीं है ऐसा है, लेकिन पंचमी करने से भी कोई आपत्ति नहीं है। अनंत शक्ति होने से परब्रह्म ये निर्विशेष नहीं सविशेष है, ऐसा करना। अच्छा थोड़ी टीका ले लो, ननो पूर्वम एव अस्य उपासनानि अतिवृत्तानि। बोलते हैं कि पहले तो बहुत सारी उपासना बताई परमात्मा की, इसलिए तथा तो वक्तव्य शेषो नाथ, अभी उत्तरखंड में कोई वक्तव्य तो रहा नहीं, वचन का विषय तो कुछ रहा नहीं, तो इसलिए कहते नहीं, इसलिए कहा कि अनेक भेद उपास्य, ये अनेक भेद के ऊपर कह रहे हैं। अनेक उपाधि में ये परब्रह्म की उपासना होती है,
उपाधि में, इसलिए यहां पर लिखते हैं देखो अनेकेशु भेदेशु, जो कि यहां पर सप्तमी करके बोल रहे हैं अनेकेशु भेदेशु, भेद का अर्थ क्या है उपाधि, गायत्री आदि उपाधिशु, गायत्री आदि सब उपाधि हो गई, गायत्री छंद है और भी आदि से हर ले लो उपाधिशु उपास्य ब्रह्मणो, वो जो उपास्य परब्रह्म है उसका उपासन का विधान तो अन्य गुण से भी कर सकते हैं, कैसे मनोमयत्व आदि आगे बताएंगे, मनोमयत्व प्राण शरीरत्व भारूपत्व ये सब बता जाएगा आगे, ये सब बताएंगे। इसलिए मनोमयत्व आदि जो है गुण उससे विशिष्ट कौन हो गया, परमात्मा होता है, तो मनोमयत्व आदि विशिष्ट गुणत्व न, और आगे क्या है विशिष्ट शक्ति मत्व न, विशिष्ट शक्ति है विशिष्ट शक्ति मतलब विशिष्टा शक्ति यस्य, ऐसा करना है तत् विशिष्ट शक्तिमत् भाव में हुआ विशिष्ट शक्तिमत्वेना, मतलब विशिष्ट शक्ति इस गुण से धर्म से उपासनांतरम, और दूसरी उपासना ये अन्यत उपासनमिति उपासनांतम उपासनांतरम, इसलिए दूसरी उपासना का विधान करने के लिए ये उत्तर वाक्य है, ये मंत्र है। मंत्र लिया जाए, बड़ा महत्व का ये मंत्र है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत अथ खलु क्रतुमयः पुरुषो यथा क्रतुरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति स क्रतं कुर्वीत। तो कहते हैं इदं सर्वं, इदम काम है सर्वम के साथ है, सर्वम इदम जितने भी दृश्यमान पदार्थ, जितने भी कार्यवर्ग दृश्यमान पदार्थ है वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ नहीं ब्रह्मा, इसको कहते हैं बाध। जैसे किसका भी साइलेंट करिएगा, तो सर्वम का विशेषण हो गया इदम, इदम कहने से क्या होगा दृश्य, जितने भी दृश्यमान पदार्थ है प्रमाण का विषय है, जितने भी पदार्थ है अनात्म पदार्थ ये सब ब्रह्म ही है, बात कर दिया इस। जैसे सर्प रज्जु हो ज्ञात है सर्प, जिसको तुम सर्प समझ रहे हो वो रस्सी है, तो ज्ञात का अनुवाद करके अज्ञात का विधान करते हो, ये सारा संसार दिखाई दे रहा है ये ज्ञात है, इसमें कोई ये विधि नहीं है सर्वम में, विधि यहाँ पर होती है ब्रह्म में, सर्वम इदम ब्रह्मा, सर्वम का बात करके ब्रह्म का विधान किया, इसलिए दोनों में बात समानाधिकरण न होते हैं। इदम सर्वम ब्रह्मा, और खलु यहाँ पर वाक्य अलंकार है, भाष्यकार के अनुसार खलु वाक्य अलंकार में, हालांकि निश्चय अर्थ में भी होता है खलु में निश्चय भी होता है, लेकिन भगवान भाष्यकार के अनुसार खलु यहाँ पर क्या है वाक्य अलंकार है, क्योंकि बाद में तो निश्चय ही होता है, इसलिए इस अभिप्राय से यहाँ पर खलु का अर्थ एव न करके खलु का अर्थ निश्चय, जैसे सर्प रज्जु हो एव कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सर्प का बाद हो जाता है रस्सी के ज्ञान से, इसलिए एव सर्वम वाक्यम सावधारण भवती, और बाध वाक्य में एव का अर्थ आता ही है अत्याहृत होता है, इसलिए एवं ये खलु का अर्थ निश्चय न करके भगवान भाष्यकार ने
अलंकार अर्थ में किया है। नहीं सालन होता है तो बंद कर दीजिए ना, बंद कर दीजिए नारायण, किसका है, बंद कर दीजिए, नहीं तो कमरे में रख देना उसको। हाँ तो ठीक नहीं होता ना। हाँ तो ऑनलाइन वाले भी सुनेंगे, देखो ऑनलाइन वाले भी तो सुनेंगे ना। मोबाइल चल रहा हो, सर्वम कलित हम, बहुत अच्छे ब्रह्म का विचार हो रहा है बोलेंगे। सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, अच्छा। और ये जो इदम सर्वम जगत, ये कैसा है बोलते, ब्रह्म रूप कहा। ब्रह्म क्यों है, हेतु के रूप से देखो, ये जो विशेषण है ना तज्जलान, ये हेतु हो गया। विशेषण अभी बताया ना आपको, विशेषण हेतु के रूप से भी होता है। ये सब कुछ ब्रह्म क्यों है, क्योंकि तज्जलान, ये हेतु हो गया। ऐसे नहीं कि पंचमंत होने से हेतु होता है, ऐसा नहीं है, विशेषण भी हेतु हो जाता है। तज्जलान, तज्जलान का अर्थ करेंगे तीन शब्द यहाँ पर, तस्मात् जातम् इति तज्जम् एक शब्द हो गया। दूसरा शब्द होगा तस्मिन् लियते इति तल्लम्, ली धातु होता है ना, तस्मिन् लियते इति तल्लम, दूसरा शब्द हो गया ठीक। और तीसरा शब्द होगा तेना अनिति चेष्टते इति तत् अनम, हो गया तत् अनम, मतलब त द न पूरा है। कितने शब्द हो गए, तीन हुए, तज तल्ला, दो तकाल होगा, दो लकार तोरली हो जाएगा कि नहीं, पहले तज तल्ला और तीसरा तद न, अकारांत है त द न, कितने शब्द हो गए। आ तीनों में क्या है, द्वंद समास कर लो, ऐसा हो जाएगा। और जो पहला तत् को रखो, अब बाकी दोनों तत् को लोप कर दो, क्या कर देंगे, लोप कर देंगे, तो कितना रहेगा है ना, त ज आगे है ल और आगे अन है। अरे आगे क्यों बोल रहे हैं आप, आगे ना बोलो, हमको पता नहीं है क्या, हमको पता है कि नहीं, फिर आप क्यों बोल रहे हैं, ऐसा ना बोलो, मैं पहले भी आपको बोला था ऐसा ना बोला करो। तो तज, उसके बाद तल, तीसरा क्या है तद अना, तो दो तत् का क्या हो गया, लोप हो गया ठीक। तो क्या रह गया शब्द, तज्जलाना, क्या हो गया तज्जलाना, और अंत में जो अकार है उसका लोप हो गया, छांदस प्रयोग, छांदस प्रयोग से क्या हो गया, नकार उत्तरवर्ती अकार का लोप हो गया, तो क्या शब्द हो गया तज्जलान, ये शब्द होता है ठीक है। और तो क्या निकला, हाँ ये पर, ये जगत जहां से उत्पन्न होता है वहां पर तस्प से ब्रह्म ले लो, और जहां पर लीन हो जाता है, और जहां से जिस सत्ता से ये सत्तावान होता है, अपना कार्य करता है, चेष्टा करता है, स्थिति होती है जगत की, और तीनों मिलाकर क्या हो गया तज्जलान, ये हो गया। इतना आया, इसलिए इति को जोड़ दो, तज्जलानिति, ये जगत परब्रह्म से उत्पन्न होता है, परब्रह्म में लीन होता है और परब्रह्म में आश्रित होता है, इसलिए सारा जगत क्या हो गया, ब्रह्म है, हो गया ना। इसी के ऊपर ब्रह्म सूत्र में विचार है, सर्वत्र प्रसिद्ध उपदेशात, ब्रह्म सूत्र में इति, परब्रह्म से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, आपसे कोई अतिरिक्त होता तब तो रागदेश होगा ना ठीक, इसलिए बोलते शांत उपासित, इसलिए शांत होकर के परब्रह्म की उपासना करें, शांत
उपासित हो गया ऐसा है। और इसको कहते हैं समगुण का विधान। समगुण शांति है ना, शांत होकर उपासना करे तो कौन सा गुण का विधान हुआ? समगुण। समगुण का विधान में तात्पर्य है, समगुण का विधान में तात्पर्य होने पर भी उपास्य जीव नहीं होगा, पर ब्रह्म होगा। इसके ऊपर ब्रह्मसूत्र में खूब विचार है। भावती में तो बहुत और कुछ भी बहुत ज्यादा विचार है। यद्यपि समगुण का विधान में इसका तात्पर्य है, फिर भी यहाँ पर उपास्य जीव नहीं होगा, उपास्य पर ब्रह्म होगा, ठीक है ना। ये विचार है। अच्छा, और आगे बता दे, अतः खलु कृतमय पुरुष, ये जो पुरुष है जीव, क्रतुमय होता है मतलब अध्यवसाय वाला होता है। क्रतु का अर्थ अध्यवसाय, पूरा जीवन अध्यवसाय के अनुसार ही चलता है जीव का। जैसा आप निश्चय करोगे ऐसे ही आपको फल मिलेगा। हाँ, जिस निश्चय से आप वेदांत सुनोगे आपको सुनने का ही फल ऐसे ही मिलेगा, है कि नहीं? इसलिए सबको समान फल नहीं मिलता है, ठीक। अतखलु का अर्थ क्योंकि, अतखलु से यहाँ पर क्योंकि, परब्रह्म की उपासना क्यों करनी है, बोले अतखलु दोनों मिला करके हेतु अर्थ निकलेगा। अतखलु बोले क्योंकि क्रतुमय पुरुष, ये जीव क्या होता है? क्रतुमय होता है मतलब निश्चय प्रधान होता है, ठीक। कृतु का अर्थ अध्यवसाय, निश्चय। आगे लिखते हैं कि यथा क्रतुर अस्मिन लोके पुरुष भवति, अस्मिन लोके मतलब इस लोक में जीते हुए ये पुरुष जैसा कृत वाला होगा, है ना, कृत वाला निश्चय, जिस निश्चय वाला होता है पुरुष जीव जीते जी, और शरीर छूटेगा तो उस निश्चय के अनुसार ही फल प्राप्त करेगा। ये बोलते हैं देखो, तथे इतः इत्यप्रेत्य भवती, चलिए इतः मतलब इस शरीर से, इस शरीर तो छूटेगा ही, हाँ प्राण तो निकलेगा ही, इसलिए मर करके जो है ये जीव जो है ना ऐसा ही वो फल प्राप्त करता है निश्चय के अनुसार, ठीक। इसलिए पर ब्रह्म की उपासना करे शांत होकर के, इसलिए सह क्रतुम कुर्वित, इसलिए उपासना के लिए पर ब्रह्म की उपासना क्या करे? निश्चय करे, संकल्प करे, ऐसा बोलते हैं। अच्छा भाई देखो भाष्य सर्वम, सर्वम मतलब समस्तम, सर्व से यहाँ पर समस्त ले लो, पूरा संसार हो जाएगा। सर्वम समस्तम, यहाँ पर संकोच नहीं होगा क्योंकि सबका कारण परमात्मा है, परमात्मा उपादान कारण है सबका, ठीक, मतलब कार्य वर्य का। इसलिए सर्वम कहने से सर्वस्तम हो गया। खलु यहाँ पर निश्चय अर्थ में नहीं है, है ना, खलु यहाँ पर निश्चय अर्थ में, फिर किस अर्थ में? खलु इति वाक्य अलंकारार्थो निपात, वाक्य का अलंकार है ये अर्थ, ये खलु शब्द का निपात का, व्याकरण में इसको निपात बोलते हैं। निपात, निपात जो संज्ञा का शब्द खलु, इसका अर्थ वाक्य अलंकार है ये, वाक्य अलंकारो अर्थो यस्य स निपात वाक्य अलंकार अर्थो। अच्छा, इदम, इदम कह दिया मंत्र में, इदम कहा ना, इदम कहने से जगत, इदम जगत कौन जगत है? बोलते हैं जो विकृत है। कैसे विकृत हुआ? नाम रूप से, नाम रूप विकृतम, नाम रूपाभ्याम विकृतम, इति नाम रूप विकृतम, नाम के बिना रूप के बिना कोई विकार पदार्थ नहीं होता है, इसलिए नाम रूप विकृतम, तृतीय तत्पुरुष करना है, नाम रूपाभ्यम विकृतम, इति नाम रूप विकृतम।
अच्छा, इदम शब्द प्रयोग किया है ना, कि सर्वम खलु इदम, इदम शब्द प्रयोग किया। तस्य इदमा परामर्शे हेतु माह प्रत्यक्षादि, बोलते हैं सारा जगत का परामर्श हुआ किस शब्द से? इदम शब्द से। ठीक, हाँ, इदम शब्द का तृतीय वचन क्या बनता है? हाँ, यहाँ पर इदमा बन गया, शब्द स्वरूप लेना है। यहाँ पर इदमा में जो इदम, ये सर्वनाम नहीं, यहाँ पर उसका यहाँ पर अनुकरण किया। इदमा में जो इदम शब्द है ये सर्वनाम नहीं, ठीक, उसका अनुकरण करके प्रातिपदिक बनाया। यदि सर्वनाम कर देंगे तो फिर अनना हो जाएगा, फिर इदमा नहीं बनेगा। ठीक, इसलिए इदमा, ठीक है, सर्वनाम का वाचक जो होता है इदम, उसका जो अनुकरण किया इदम शब्द से, है ना, सारा जगत को बतलाया। परामर्शे, जगत का परामर्श करने में, ठीक, हेतु माह, हेतु क्या है? हेतु ये बता दिया, देखो प्रत्यक्षादि भाष्य में आया, प्रत्यक्षादि विषयम क्या लिखा है? हाँ, ऐसा लिखा है ना, हाँ, प्रत्यक्षादि विषयम, प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय कौन? ब्रह्मा। हाँ, ऐसा जगत मानना है, यहाँ पर प्रत्यक्षादि का जो विषय है जगत, वो ब्रह्मा है। बात है ना, यहाँ पर ऐसा के लिए सर्प रस्सी है, तो सर्प रस्सी है क्या? हाँ, तो सर्प का बात करके रस्सी बोलते हैं, इसी वगैरह यहाँ पर प्रत्यक्षादि विषयम ब्रह्मा नहीं सुना, प्रत्यक्षादि विषयम जगत। इसलिए जो प्रत्यक्षादि का विषय हो उसमें इदम शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए इदम बोल दिया, हो गया। अच्छा, इसलिए सारा जगत ब्रह्म है, तो ब्रह्म कौन? कारणम, ब्रह्म कारण है। बोलते हैं कि ये जो ब्रह्म शब्द आया, तो ब्रह्म शब्द से किसको लेंगे भाई? निर्विशेष को लेंगे कि सविशेष को? प्रश्न हुआ, तो निर्विशेष को लेंगे। बोलते नहीं, यहाँ पर निर्विशेष नहीं, निर्विशेष कारण नहीं होता है, सविशेष ब्रह्म कारण होता है। जिसमें कोई गुण धर्म हो तब तो कारण होगा जी। और गुण धर्म तब होगा कोई उपाधि हो तो, बिना उपाधि से कोई गुण धर्म नहीं होता है। ठीक है, आपके पास कोई उपाधि नहीं है, मन हो नहीं है, इंद्रिय नहीं, शरीर नहीं है, ठीक है ना, तो आपका कौन सा गुण होगा, कौन सा धर्म होगा, क्या नाम होगा, क्या रूप होगा? नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं यहाँ पर निरुपाधिक नहीं, सोपाधिक है। टीका कहाँ दिया, देखो, ब्रह्म शब्दस्य निरुपाधिकार्थ विषयतम। ठीक, निरुपाधिक का जो अर्थ है ब्रह्म, ठीक, उसी को, उसको विषय नहीं करता है ब्रह्म। ब्रह्म शब्द का अर्थ यहाँ पर निरुपाधिक नहीं है, निरुपाधिकार्थ विषयतम, बहुव्रीहि समास, निरुपाधिक अर्थो विषयो यस्य कस्य, ब्रह्म शब्द से, मतलब ब्रह्म शब्द का अर्थ यहाँ पर निरुपाधिक है ऐसा नहीं, इसलिए भी व्यावर्तन करते हैं। व्यावर्तयति कारणम, इसलिए ब्रह्म का विशेषण दिया कारणम, कारण ब्रह्म लेना है। अच्छा, बोलते हैं ब्रह्म शब्द का प्रयोग क्यों किया, देखो लिखते हैं, वृद्धतमत्वाद ब्रह्मा, जगत का कारण को परमात्मा को ब्रह्म बोलते हैं क्योंकि वो व्यापक है। हाँ, निरतिश व्यापक, उससे बड़ा कोई व्यापक नहीं है, इसलिए बोलते हैं वृद्धतमत्व, मतलब व्यापक तमत्व, है ना। ब्रिन ही वृद्धौ, ये धातु होता है, ब्रिन ही वृद्धौ, ठीक, हाँ, ब्रिनहेर नो अच्च, एक सूत्र है, उनादि सूत्र है, ब्रिनहेर नो अच्च, है ना, ब्रिनह हकारांत धातु है, ठीक, आगे मनिन प्रत्यय होगा, मनिन, मनिन, मनिन का रहेगा मन,
जो लोग व्याकरण पढ़ते हैं ना उनके लिए थोड़ा बोल देता हूँ, अच्छा लगता है ना उन लोग जैसे नया एक नया पढ़ने वाले थोड़ा नया बोल दो तो अच्छा लगता है, जो व्याकरण पढ़ने वाले को। तो ब्रह्मा आगे हो गया मन, इनका मन ठीक है, और जो अनुसार दिखे थे ना नकार था पहले उसको कर देंगे ओकार, हो गया क्या कर देंगे ओकार, तो क्या होगा ब्री आगे ओकार आगे क्या होगा होकार आगे क्या होगा मन, हो गया ब्री का रिकार आगे अ, तो ब्री के रिकार क्या होगा ये कोने जैसे यण हो जाएगा तो क्या बनेगा ब्रह्मन, हो गया प्रथम में क्या बनेगा ब्रह्मा नकार के लोप हो गई ठीक, ये होता है लपुषलिंग है, वृद्धतमत्व ब्रह्मा मतलब निरति से व्यापक होने से जगत के कारण परमात्मा कहते हैं ब्रह्मा ऐसा है। अच्छा इसलिए टीका में दिया कथम तस्य ब्रह्मत्वम, जगत का कारण है वो ब्रह्मा क्यों, हेतु दिया गया वृद्धतमत्व ब्रह्मा, वृद्धतमत्व हेतु हुआ। तात्पर्य क्या है निरतिश्य महत्व इत्यर्थ, जो निरतिश्य महत्व है परब्रह्म में उससे बड़ा कोई महान है ही नहीं, क्योंकि सबका कारण है वो, उपादान कारण है वो। अच्छा सर्वम अनुद्य, देखो सबका सर्वम ब्रह्म का है ना, इदम सर्वम ब्रह्म, इदम सर्व में विधान नहीं होता है अनुवाद होता है, क्योंकि इदम सर्वम ये तो ज्ञात है, ये सर्प रज्जु सर्प अनुवाद होता है, सर्प का अनुवाद ज्ञात का कथन में अनुवाद होता है और अज्ञात का कथन में विधान होता है ठीक। इलालंकर लिखते हैं सर्वम अनुद्य, सर्वम इदम भी ले लो, इदम सर्वम, इदम सर्वम ये इसका अनुवाद किया है, विधान नहीं किया जा रहा है, अतस्य ब्रह्मत्व विधान है, सारा जगत ये ब्रह्मा है, देखो ब्रह्मा ये हो गया विधेय देना पंक्ति, हाँ ध्यान से समझा करिए ना, सर्वम अनुद्य क्योंकि सारा जगत तो ज्ञात है प्रमाण से, अब दिख रहा है अब ब्रह्म दिख रहा है क्या इसलिए तस्य ब्रह्मत्व, सारा जगत ब्रह्मा है, इसलिए जगत में क्या सिद्ध कर रहे हैं ब्रह्मत्व सिद्ध कर रहे हैं, बात करेंगे ये सर्प का बात करके रज्जुत्व का विधान किया जाता है, इसी प्रकार से ब्रह्मत्व विधान है, ब्रह्मत्व का विधान करने में जुक्तिम युक्ति को बता रहे, जुक्तिम प्रश्न पूर्वक माह, प्रश्न पूर्वक युक्ति को बतला रहा है, प्रश्न यही है कथम, ये प्रश्न है भाष्य में देखो कथम सर्वस्य ब्रह्मत्वम, सारा जगत जो ये ब्रह्मा है क्यों, ये प्रश्न हुआ इत्यताह, आगे ज्योक्ति पूर्वक बता रहे तो ज्योक्ति पूर्वक दृष्ट ये विशेषण दिया था ना तज्जलान, ये ज्योक्ति यहाँ पर हेतु के रूप से ये ज्योक्ति हो जाएगी, इसलिए तज्जलान थी, देखो विग्रह दिया है वृत्ति में दिया ना ये टीका में तज्जम च तल्लम च तदनम च, आगे क्या दिया है तज्जला ठीक, हाँ और ओकार कहाँ गया है, जैसे ये भगवान पूछ रहे थे ना ओकार, लोग धैर्य नहीं रखते ना धैर्य रखना चाहिए पाठ में तो टीका का लिखते हैं देखो नकार उत्तर बोल दिया अकार था तो उसका लोप कर दिया, अवयव लोपस छंदसः, नकार उत्तरवृत्ति जो अकार है उसका क्या होगा लोप हो गया, लोप करने वाला कोई सूत्र तो है ही नहीं अष्टाध्याय में, कोई भारतीय आदि भी नहीं है, फिर क्या करना चाहिए छांदस प्रयोग समझना चाहिए, ये बोलते हैं। हाँ जी हाँ तो क्या होगा ऐसे उसी गण में होगा तो होगा, उसी गण में नहीं ना ये शब्द, ये तो वेद है यो, हाँ आपके पुरुषोत्तरादि ने तो बाद में है भी, पाणी ने तो बाद में लिखा है कि ना, उसमें शब्द नहीं है, कुछ शब्द होते हैं तो वहाँ पर निपातन से हो जाता है, वहाँ पर निपातन से होते पुरुषोत्तरादि ने यथोपदिष्टम, ये
ये सूत्र है। तो इतना हुआ तज्जलान। अच्छा देखो, तज्जलान में क्या विभक्ति है? हाँ, प्रथमा एक वचन हो गया। तो तज्जलान में नकार पदांत है कि नहीं? है ना पदांत? तो न लोप प्रातिपदिक अंत से नकार का लोप होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? तो नहीं हुआ, ये भी छांदस हो गया, इसलिए दो छांदस प्रयोग हुआ। अकार का लोप हो गया ये छांदस, और नकार का लोप नहीं होना ये छांदस हो गया। आया पकड़ में? ये टिप्पणी में दिया, देखो दिया टिप्पणी में एक नंबर दिया है, एक कैलाश प्रकाशन की टिप्पणी में दिया है। देखो अवयव लोपो के ऊपर टिप्पणी लिखा है, तद लोप इत्यपि बोध्यम। तद लोप मतलब तस्य अलोप, ऐसे यहां पर भी समास कर दिया है। टिप्पणी पढ़ने के लिए भी आपको व्याकरण का ज्ञान चाहिए, है ना? तद अलोप मतलब क्या? तस्य अलोप, तस्य कस्य? नकारस्य, अथवा तस्य लिंगे अवयव, है ना? आपको जैसा अर्थ होना चाहिए ऐसा बता रहा हूं आपको, क्योंकि टीका में क्या दिया है? अवयव लोपस छांदस्य। तो जला ना मैं अवयव कौन है? वकार हो गया, वकार जो अवयव, तो जला ना, ये पूरा हो गया कि नहीं? समस्त पद हो गया, तो जला ना। अब इसमें अवयव अंतिम कौन है? अकार, वो अकार का लोप होगा ना ये छांदस, इसके ऊपर टिप्पणी लिखते हैं तद लोप। तो तस्य क्या लेंगे? अवयवस्य, कौन अवयव? नकार अवयवस्य, इसको यहाँ पर लिख कर रखो समझने के लिए, नहीं तो आप नहीं पकड़ पाएंगे बाद में। तद लोपो का अर्थ क्या है? नकार अवयवस्य, ऐसा लिखो तत्कार था। टिप्पणी तो लिखे हैं बढ़िया, लेकिन इसमें भी कठिनाई है, ठीक है? तथ्य लेंगे नकार अवयवस्य अलोप, अलोपकार तो लोपाभाव, अकार नहीं समझना है, अलोपकार तो लोपाभाव, नकार अवयवस्य लोपाभाव अपि छांदस, ऐसा अर्थ लगाना यहाँ पर। है कहाँ पर? अजी लोपाभाव, बहुव्रीहि क्यों करेंगे आप? अलोपकार तो लोपाभाव, तस्य अलोप षष्ठी तत्पुरुष हो गया ना, तस्य अलोप इति तद अलोप हो गया षष्ठी तत्पुरुष। तस्य लिए क्या लेंगे? नकार अवयव, तज्जलान, अकार चला गया, रहेगा क्या? ना तज्जलान, इसमें जो अवयव हो गया नकार, उसका लोप ना होना, वो उसको भी समझना चाहिए। मतलब क्या समझना चाहिए? छांदस प्रयोग समझना चाहिए, ये बोलते हैं बोध्यम। हो गया, चलो। अच्छा, नहीं तो नौ लोप से सूत्र से होना चाहिए ना, नकार का लोप, नौ लोप प्रातिपदिकांतस्य, ऐसा होता है। आगे देखो भैया, तत्र तज्जत्तम जगतो वित्पादयति, बोलते तज्जत्तम जगतः, ये जगत ब्रह्म से जन्म है, उत्पन्न है, इसलिए तज्जत्तम, तस्मा जातमिति तज्जम, उसका धर्म हो गया तज्जत्तम। मतलब जगत में क्या रहेगा? तज्जत्तम मतलब जो ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति। इसका व्युत्पादन करते हैं, भाष्य में आया तस्मात् ब्रह्मणो जातम, देखो लिख दिया विग्रह, तस्मात् जातम इति तज्जम, है ना? ऐसा होते महादेव, तस्मात् के लिए ब्रह्मणो जातम, किस क्रम से? तेजो अप अन्नादि क्रमेण सर्वम, तेज है, जल है, अन्न है, उपलक्षण आकाश वायु भी है, है ना? इस क्रम से सारे जगत की उत्पत्ति होती परमात्मा से, अतः अतस्तज्जम, इसलिए परब्रह्म से उत्पन्न होता है जगत, इसलिए जगत हो गया तज्जम, ठीक है? अच्छा भाई,
तल्लत्तम उपवादयति, तल्लत्तम कुत्र जगति, जगत में तल्लत्व को सिद्ध करते हैं, ब्रह्म में जगत का लय होता है, ये बोलते हैं। तथा तेनैव जनन क्रमेण प्रतिलोमतया तस्मिन् एव ब्रह्मणि लियते तदात्मतया श्लिष्यत इति तल्लम्। कहते हैं तेनैव जनन क्रमेण, जिस क्रम से जगत की उत्पत्ति हुई उसी क्रम से लय नहीं होगा, उसे विपरीत क्रम से होगा। जिस क्रम से आप छत पर चढ़े, ठीक है, उसी क्रम से उतरेंगे, उतरेंगे तो पहला पांव किधर आएगा, नीचे होगा फिर ये संभव नहीं होता है। हाँ छलांग लगा सकते हो, सीढ़ी से तो नहीं होगा ना, वो सीढ़ी से उतरना है तो विपरीत क्रम से होता है। इसी प्रकार ये ब्रह्म सूत्र में विचार आया इसी के ऊपर, इसलिए प्रतिलोमतया मतलब विपरीतया, जिस क्रम से उत्पन्न हुआ उसी क्रम से लय नहीं होगा, विपरीत से, जैसे आकाश से वायु, वायु से तेज से जल, जल से पृथ्वी, लय होगा तो पृथ्वी का कहां पर होगा, जल में, जल का फिर जो है तेज, इस प्रकार कह रहे, ठीक। इसलिए प्रतिलोमतया मतलब विपरीतया तस्मिन् एव ब्रह्मणि, लेकिन लय तो परब्रह्म में ही होगा क्योंकि परब्रह्म उपादान है, जैसे घट का मिट्टी में। अच्छा तदात्मतया बल लय जो होता है वो उपादान में एक हो जाता है ना, तादात्म भाव को प्राप्त करता है कार्य कारण के साथ, ये बोलते हैं मिल जाता है, जैसे घट मिट्टी में मिल गया, इसलिए श्लिष्यता इति बोले मिल गए, एक हो गया इसलिए जगत को बोल दिया तल्लम। अच्छा इसके ऊपर कुछ है, हाँ ये है टीका में दिया, विपर्यण तो क्रमो अतः इति न्यायात प्रतिलोमतया जनना विक्रमेण तस्मिनेव ब्रह्मणि लीयते जगत इति कृत्वा यथा तज्जम तथेति योजना। विपर्यण विपरीत क्रम से होता है लय, उत्पत्ति क्रम से लय नहीं होता है, विपरीत क्रम से, इसी के ऊपर ब्रह्मसूत्र में विचार है। ये दिया है देखो न्याय मतलब ब्रह्मसूत्र, ये दिया है नीचे, हाँ नीचे दिया, विपर्यण तो क्रमो अत उपपद्ये च उपपद्यते च, ये ब्रह्मसूत्र है, इसको ये चिन्ह लगाना चाहिए टीका में जो है ना, विपर्यण से लेकर के कहाँ तक अत, ये सूत्र हो गया, विपर्यण सूत्र के अंतर्गत है ये, है ना, ये नीचे दे दिया है, विपर्यण तो क्रमो अत उपपद्ये च उपपद्यते च, तो मतलब किंतु विचार आया भाई किस क्रम से जो लय होगा, भाई जिस क्रम से उत्पन्न हुआ उसी क्रम से लय हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, पूर्व पक्षी बोलेगा ना हो जाना चाहिए बोलता है संभव नहीं है, असंभव है, ये बोले किंतु मतलब किंतु विपर्यण मतलब क्या, विपरीत क्रम से ही है ना, विपरीत क्रम से ही क्या होगा लय होगा, ये बोलते हैं, इसलिए अतः है ना, किसकी अपेक्षा विपरीत मतलब उत्पत्ति क्रम से, अतः का अर्थ उत्पत्ति क्रम, उत्पत्ति क्रम से विपरीत के रूप से क्या होता है जगत का लय होगा, है ना, ऐसा लय का क्रम होता है ये उपपद्यते, ये संभव है, हाँ, और उत्पत्ति क्रम से संभव नहीं देखा जाता है। दृष्टांत भी दिया, जैसे सीढ़ी से उतरते हो, हाँ, जैसे चढ़ते हो ऐसे नहीं उतरा जाता है, विपरीत क्रम से होते है ना, ऐसा होता है हाँ जी, ली धातु होता है ना, ली ली ये ली लय, हाँ, और लय नष्ट हो जाना अर्थ में ली धातु होता है, हाँ उसी अर्थ में नष्ट नाश अर्थ में ही ली धातु होता है, ऐसा होगा हाँ जी, कहाँ पर, अरे भी ली है ना, ली का ई उसमें अच प्रत्यय कर दो, यश तीचे से क्या हो जाएगा, ईकार का लोप हो जाएगा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो गया ना, इले बन जाएगा तल्ला,
ऐसा हो जाएगा। चलो अच्छा हाँ आगे बढ़ा जाए, इस पंक्ति के ले लीजिए। तो इति न्याय प्रतिलोमतया जनना विक्रमेण उत्पत्ति के विपरीत क्रम से तस्मिन एव ब्रह्मणि लियते, जिस ब्रह्म से उत्पन्न हुआ था उसी ब्रह्म में ही लीन होता है। लियते जगत इति कृत्वा हाँ, ऐसा व्युत्पादन करके यथा तज्जम तथा इति योजना, जैसे जगत तज्ज हुआ इसी प्रकार जगत क्या हुआ, तथा कहने से तल्ल, तथा से तल्ल ले लो, जगत जैसे तज्ज हुआ इसी प्रकार जगत तल्ल भी हुआ, लय ब्रह्म में होगा। अच्छा इसके ऊपर कहेंगे विचार कल करते हैं, समय हो गया कि तदात्मतया क्यों दिया है इसके ऊपर विचार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदव्यः व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणते नमः। ओम शांति शांति।